आपदा प्रबंधन व इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से हमीरबबर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा जिला में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हरकेश मीणा ने की। आपदा प्रबंधन व इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से हमीरबबर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा जिला में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने की। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत विभिन्न एनजीओज को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने की शुरुआत हुई है तथा इससे जिला प्रशासन को भविष्य में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, जागरूकता परस्पर तालमेल के साथ इन्हें सही ढंग से निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी तथा सूचना कोई भी व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में टोल फ्री नंबर 1077 पर दे सकता है। ये नंबर 24 घंटे कार्यरत रहता है। कार्यशाला में जिला हमीरपुर के 6 गैर सरकारी तथा 2 सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इन दौरान जिला में इंटर एजेंसी ग्रुप का भी गठन किया गया, जिसमें 6 कोर ग्रुप सदस्य सहित 8 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। ये ग्रुप जिला में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन व अन्य विभागों के साथ तालमेल रखेगा। इस अवसर पर जय बाबा कमलाहा आराधना संगठन के पदाधिकारी एम के भारद्वाज को जिला इंटर एजेंसी ग्रुप का संयोजक भी चुना गया। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन नवनीत यादव ने उपस्थित लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटने के नवीनतम तरीकों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जिला में हर स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गैर सरकारी संगठन जिला प्रशासन को सहयोग कर जान माल की सुरक्षा तथा आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक दूसरे का फेस देख लेते हैं, एक दूसरे के साथ दो चार बार हम बैठ लेते हैं, हमें आप लोगों की स्ट्रेंथ पता चलती है कि हाउ यू पीपल कैन हेल्प अस, ठीक है, और आपको हमारे बारे में पता चलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम आप लोगों को किस तरह से मतलब आप लोग हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं टाइम ऑफ नीड, या जिससे आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बार बार ट्रेनिंग या बार बार मिलने से होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो इसमें है कि हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज हैं, रेड क्रॉस का है जिन्होंने मेंशन भी किया, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नेहरू युवा केंद्र हो गए, वॉलंटियर्स है, बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जैसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है तो इंटरेक्शन का बहाने हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये इसका पर्पज़ है।